टॉपिक है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या डियर फ्रेंड्स, आपको जीवन में स्वस्थ रहना है, सफलता हासिल करनी है, रिश्तों में प्यार चाहिए, सब कुछ चाहिए जो आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं, तो इसका एक ही मात्र प्रिस्क्रिप्शन है, जो कहते हैं इलाज है, तरकीब है और सीक्रेट है, और वो है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। इट्स अ ग्रैटिट्यूड इज ओनली द प्रिस्क्रिप्शन। डियर फ्रेंड्स, कहा गया है कि हेल्थ के मामले में, खास जब मैं वेलनेस के सेमिनार देती हूँ, मैं यही बात से शुरू करती हूँ। मैंने 10 होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स डिजाइन करी है, उसमें वन ऑफ दिस होलिस्टिक ट्रीटमेंट इज देयर, और वो है ग्रैटिट्यूड। जो मैं कहती हूँ कि जो इंसान कृतज्ञ नहीं है, ग्रैटिट्यूड जिसके पास नहीं है, वो इंसान कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाता है। ये मैंने रिसर्च से भी देखा है। जो लोग अस्वस्थ है, जो लोग बीमार है, अस्वस्थ है, वो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड का जो ये विटामिन है, विटामिन जी जिसको कहा जा सकता है, वो मिस करते हैं। वो कहीं ना कहीं पे लैक फील करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वो बीमार होते हैं। मैंने ये कहीं मेरे डेली कोट्स में लिखा है, तो मैंने वहां से ये एक आज लिया पोस्टर, जहां से हम शुरू कर सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एंटीबायोटिक। इतना ही नहीं डियर फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड इज द मास्टर की फॉर ग्रोथ। ग्रोथ चाहिए जीवन में, सफलता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सब कुछ जो भी आपको चाहिए, वो सबका रास्ता ग्रैटिट्यूड से शुरू होता है। ग्रैटिट्यूड क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नहीं। लॉ ऑफ नेचर क्या है? ग्रैटिट्यूड सीक्रेट मूवी में कहीं सुना है, वो है? नहीं। ग्रैटिट्यूड इज अ मेंटल स्टेट। ग्रैटिट्यूड क्या है? एक मेंटल स्टेट है, जहां से आप अपने आप को एक बहुत अच्छे वाइब्रेशन देते हैं डेलिब्रेटली। यू आर क्रिएटिंग डेलिब्रेट एक्सलेंट वाइब्रेशन थ्रू ग्रैटिट्यूड। आप एक ऐसे स्टेट में डेलिब्रेटली एंटर होते हैं और उसको रोज की आदत बनाते हैं, जहां से सारे प्रॉब्लम्स के दरवाजे बंद होते हैं और सारी सफलता, सुख, समृद्धि के दरवाजे खुल सकते हैं। क्या बेनिफिट है ग्रैटिट्यूड करने के लिए? ग्रैटिट्यूड हम जब दर्शाते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, ग्रैटिट्यूड कौन से समय पे दर्शाना चाहिए और कैसे करना चाहिए? कैसे में सिंपल बात तो सबको पता है कि जस्ट सिंपली से थैंक यू, दिस इज अ ब्यूटिफुल टू वर्ड्स, थैंक यू सो मच। ये वर्ड्स आप किसी को इमीडिएटली कह सकते हैं, बट आजकल सबसे फॉर्मल जो कोई वर्ड है तो वो है थैंक यू। बट डू यू मीन दैट कि आप सच में थैंक यू दिल से कहते हैं? और इसकी भी इफेक्ट होती है, यस और यस डियर फ्रेंड्स। सो नॉट ओनली यूजिंग द वर्ड एज अ मोनोटोनस और एज अ रिचुअल, जैसे थैंक यू, इट्स नॉट इनफ। थैंक यू दिल से फील करके कहे, शुक्रिया दिल से, और वो ग्रैटिट्यूड के आपके मेंटल ऐसे स्टेट पे लेके जाता है, जहां से ना तो सिर्फ आपको खुशी मिलती है, आप जिसको भी ग्रैटिट्यूड शो करते हैं उसे भी खुशी मिलती है। एंड दैट इज वाई ये डबल में आपको बेनिफिट देता है। इट इज लाइक अ दैट्स वाई वो जल्दी से मैनिफेस्ट होता है, बिकॉज दोनों जगह से वाइब्रेशन अच्छे आते हैं। इन अफर्मेशन, इन अफर्मेशन, इफ यू क्रिएट अफर्मेशन, देर इज अ वन साइड प्रोसेस कि आपने अफर्मेशन क्रिएट की है, आपने उसको, इसके ऊपर काम किया, बट इफ यू एड द विटामिन जी इन द अफर्मेशन, जो मैं हमेशा लोगों को सिखाती हूँ,
तो वो जल्दी से मैनिफेस्ट होता है, बिकॉज इन दिस केस यू आर ऑल्सो हैप्पी एंड यू आर स्प्रेडिंग द हैप्पीनेस अराउंड यू. यस और यस डियर फ्रेंड्स. सो ग्रेटिट्यूड एक अपने आप में बहुत ही जबरदस्त साइंस है. एक लड़का, मैंने मेरे इनर वेलनेस के कोर्स में भी ये छोटी सी कहानी कही थी, उसके पापा ने प्रॉमिस करी थी हाउ वन शुड यूज द ग्रेटिट्यूड. उसके पापा ने प्रॉमिस करी कि थी मैं तुम्हें बाइक ला के दूंगा, और कोई कारण से वो फादर बेटे को बाइक ला के नहीं दे पाए, कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए. अब वो लड़के के पास चॉइस थी, या तो वो रोता रहता कि मुझे मेरे पापा ने बाइक ला के नहीं दी, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करी, पापा तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं है, गलत कमिटमेंट देते हैं, या तो पापा वैसा कर सकते थे, लड़का ऐसा कर सकता था, कंप्लेन कर सकता था, रोता रहता है या विक्टिमाइज बनते, या तो उसके पास दूसरी चॉइस थी जो उसने बहुत स्मार्ट होके यूज करी, और उसने नहीं मिली बाइक फिर भी कॉन्स्टेंटली ऐसा बोलता रहा थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर लवली गिफ्ट, थैंक यू फॉर बाइक, थैंक यू फादर. और 2 महीने के अंदर क्या हुआ, एक बार उसके घर का डोरबेल बजा, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसके पापा उसके सामने उसकी सपनों की जो बाइक थी, जो इसकी ड्रीम बाइक थी, वो उसके सामने खड़ी थी, पापा के हाथ में बाइक की चाबी थी. और ये इंसान ने बहुत सारे जीवन में हर बातों को सिर्फ ग्रैटिट्यूड के स्टेट में जाके ही अचीव करी. डियर फ्रेंड्स, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस. ग्रैटिट्यूड यानी पॉजिटिव स्टेट, जहां पर कोई नेगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है. ग्रैटिट्यूड की प्रोसेस में है और ये टेक्निक में है, तब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1% भी, 0.01% भी उसमें कोई नेगेटिविटी ना आनी चाहिए. एक छोटी सी और कहानी है जिससे आपको समझ में आए कि ये कितना सेंसिटिव और कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. डियर फ्रेंड्स, एक बार एक आइलैंड पर एक महान जाने माने ट्रेनर पहुंच गए, जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं. वो वहां पहुंचे और वहां पे ट्राइबल लोग रहते थे, किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, एक ही पर्सन को हार्डली इंग्लिश आती थी, वो भी टूटी फूटी. उसने वेलकम किया उनको एज ए ह्यूमन. वो पर्सन को नहीं पता था कि ये कितने महान ट्रेनर है या कौन है, बहुत ही फेमस फिगर है, पब्लिक फिगर है, नहीं पता था. उसको वेलकम किया, झोपड़े में बिठाया, सब लोग मिलने आए एज अ गेस्ट कि कौन आ गया शहर से, और उनको नारियल पानी पिलाया और सब लोगों ने खूब आनंद मस्ती करी. दे डिडंट अंडरस्टैंड, ट्राइबल पीपल लैंग्वेज नहीं समझ रहे थे इंग्लिश की, बस मस्ती से हंस रहे थे, बहुत फुल ऑफ लाइफ दिख रहे थे. तब वो ट्रेनर ने पूछा कि यहाँ पे तो बहुत सारी चीजों का अभाव है, मैं देख पा रहा हूं, फिर भी लोग इतने खुश क्यों हैं? तो टूटी फूटी भाषा, इंग्लिश भाषा बोलने वाला एक ट्राइबल पर्सन, उसने कहा वो इसलिए खुश है क्योंकि उनको दूसरी भाषा नहीं आती है. क्यों? वो चौंका ट्रेनर. क्योंकि हमारी भाषा में कहीं पर भी दुख, एंजाइटी, डिप्रेशन, फेलियर जैसे शब्द ही नहीं बने हैं, और इसीलिए जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारे लोग ऐसा यूज करते हैं प्रयोग, शब्द प्रयोग, कि हमारे जीवन में आज खुशी की थोड़ी कमी है. दिस इज द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. जिसकी भाषा में ही कोई दुख जैसे शब्द नहीं है, देखो हम कौन सी भाषा यूज करते हैं उससे भी हमारा स्टेट बनता है. एंड दैट्स व्हाई वी लर्न अफर्मेशन. यस और यस डियर फ्रेंड्स. सो यूज वर्ड्स वेरी प्रॉपरली, क्योंकि वो आपका स्टेट बनाता है. एंड ग्रैटिट्यूड इज द वर्ड, थैंक यू इज द वर्ड, जहां से आप एक बहुत ही खुशी के वाइब्रेशन सामने देते हैं और आपको भी मिलते हैं. एंड दैट इज व्हाई वो सबसे पावरफुल टूल है, जहां से आप जो भी चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं. आपने लास्ट किसको ग्रैटिट्यूड शो किया था?
अपने मम्मी पापा, आपके स्पाउस, चिल्ड्रन, आपके डेली आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, और करते हैं तो दिल से करते हैं, आपको चेक करना है क्या फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं बीइंग अ ग्रेटफुल, बीइंग ग्रेटफुल लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, इंप्रूव हेल्थ एंड वेलबींग। सबसे पहले तो आपकी हेल्थ एंड वेलबींग में इंप्रूवमेंट आएगा। एज आई ऑलरेडी स्टार्टेड विद दिस वे, ग्रेटिट्यूड इज लाइक एंटीबायोटिक। यस और यस डियर फ्रेंड्स, इंप्रूव सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, जब आप किसी को पावर देते हैं तो आपको भी पावर मिलता है। आप जब किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप भी लो फील करते हैं। इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक अ मिरर। यस और यस डियर फ्रेंड्स, इम्प्रूव होती है रिलेशनशिप। जब आप किसी को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तो आपकी उनके साथ की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी होती है, एंड आपकी माइंड की क्लैरिटी इंप्रूव होती है। थैंक यू जितना कहते जाते हैं, फॉर व्हाट यू से थैंक यू, तो फॉर दिस यू से थैंक यू, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट वर्क। सो आपकी माइंड की क्लैरिटी इंप्रूव होती जाती है। कैसे ग्रेटिट्यूड टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको जीवन में जो भी चाहिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारे फोर थॉट्स फास्टिंग के मंत्रा है, उसका भी यूज कर सकते हैं, यानी नो नेगेटिव वर्ड्स। मैंने 3 दिन का फास्टिंग दिया था, थॉट्स फास्टिंग, लॉकडाउन के पीरियड में। एक तो आप ये यूज कर सकते हैं, जब भी नेगेटिव विचार आए तब कह दीजिए, या कुछ गलत हो हमारे साथ तो वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। ये मंत्रा नंबर 1 है। दूसरा है दिस टू शैल पास, ये भी वक्त चला जाएगा, दूसरा मंत्रा है। तीसरा मंत्रा है थैंक यू फॉर एवरीथिंग, चाहे वो नॉन फेवरेबल सिचुएशन हो या फेवरेबल। और फिर भी कोई नेगेटिव पर्सन है जो आपको लिटरली इरिटेट कर रहे हैं या सिचुएशन है, तो उसको कहे गॉड ब्लेस यू and thank you for your lessons, now I allow you to go away। ऐसे करते हुए पहले तो अपना माइंड को क्लैरिटी पॉजिटिविटी में रखे, 3 दिन थॉट्स फास्टिंग कर, और जब बिल्कुल आपका मन क्लियर है, नो नेगेटिव थॉट्स, 3 दिन में एक भी बार नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, दैट्स कॉल्ड द थॉट्स फास्टिंग। और इसके बाद ग्रेटिट्यूड टेक्निक का इस्तेमाल ऐसे करना है, आप रोज रात को एक ग्रेटिट्यूड की अलग नोट बनाए जिसमें आज पूरे दिन में बहुत कुछ बुरा भी हुआ लेकिन कुछ तो अच्छा हुआ होगा, उसको लिखे और उसका शुक्रिया अदा करे। कुछ नहीं तो ये घर है मेरे लिए रहने के लिए, मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे परिवार है, कितना कुछ है, उसका शुक्रिया अदा करे। हर नेगेटिव स्टेट में भी आप ग्रेटिट्यूड जब शो करते हैं तो डेलिबरेटली एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट में आप पहुंच पाते हैं। यस और यस डियर फ्रेंड्स, जस्ट लाइक यस, वंडरफुल। एंड दिस थिंग्स आप जब करते हैं, दैट इज अ वन थिंग। सेकेंड थिंग, स्ट्रेट अवे जब भी मौका मिले पूरे दिन में, जितने लोगों के साथ मौका मिले, जितनी भी बार मिले, जस्ट लिटरली से थैंक यू, जस्ट से थैंक यू दिल से, नॉट एज अ रोबोट, एज अ मोनोटोनस, एज अ यू नो, हम एक कहते हैं ना, एक फॉर्मालिटी करते हैं, नथिंग लाइक दैट, ऐसे नहीं करना है, ये बात को भी ध्यान रखे। सो दिस इज व्हाट द ग्रैटिट्यूड ट्रीटमेंट, यूज करें और शेयर करें आपके व्यूज यहां पर। नेक्स्ट टाइम जब मिलते हैं तब या तो कमेंट बॉक्स के अंदर, डियर फ्रेंड्स। ऑलराइट, आई एम श्योर आपको ये बात पसंद आई होगी, जस्ट शो योर थम्स अप, आपको मेरी ये बात पसंद आई है तो।